हेलो फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर आ रही है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को लेकर के। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का आपको पता होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। जैसे कि डीडीयू की बात किया जाए तो 27 तारीख को डेट आ चुका है, 27 जुलाई से आपके एग्जाम होंगे। अगर बात किया जाए आगरा यूनिवर्सिटी की, लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो 2 अगस्त वहाँ पर पेपर होने वाले हैं। तो इसी के विषय में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में कब से एग्जाम कराए जाएंगे। तो अधिसूचना दिया जा रहा है, एतयो समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 उत्तर प्रदेश शासन के जो दिशा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार परीक्षा समिति के अनुमोदन और माननीय कुलपति जी के मतानुसार उनकी अनुमति से इसी क्रम में 14 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आज 3 जुलाई है, 14 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, अब आपसे बात करते हैं, ये सारा कुछ परीक्षा नियंत्रक आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको दिखाई जा रही है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का ये आपके सामने टाइम टेबल रहा, जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले BA BSc भाग दो के, यानी कि सेकेंड ईयर वालों की बात किया जा रहा है। एग्जाम आपके 14 तारीख से बुधवार से स्टार्ट हो रहे हैं। बुधवार को BA भाग दो का अर्थशास्त्र, संस्कृत और दर्शन शास्त्र का फर्स्ट पेपर होगा आपका। बृहस्पतिवार को BA भाग दो का प्राचीन इतिहास का पहला पेपर होगा, प्रथम प्रश्न पत्र। और जो BSc भाग दो के इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का प्रथम प्रश्न पत्र होने वाला है। इसके बाद शुक्रवार 16 तारीख को बात करें तो केवल BA के एग्जाम्स उस दिन है। BA भाग दो के अर्थशास्त्र, उर्दू, संस्कृत, दर्शन शास्त्र का सेकेंड प्रश्न पत्र होगा। शनिवार को 17 तारीख को BA भाग दो का प्राचीन इतिहास का सेकेंड पेपर होगा और BSc भाग दो के इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के सेकेंड पेपर होंगे। सोमवार 19 तारीख को BA भाग दो के राजनीति शास्त्र का प्रथम पेपर होगा और BSc भाग दो के इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का थर्ड पेपर होगा। मंगलवार 20 तारीख को BA भाग दो का राजनीति शास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा और BSc भाग दो के भौतिकी, प्राणी शास्त्र, विज्ञान का प्रथम पेपर होने वाला है। बृहस्पतिवार 22 तारीख को BA भाग दो का समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र और BSc भाग दो के भौतिकी, प्राणी शास्त्र, विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र होने वाला है। शुक्रवार 23 तारीख को आपके BA का केवल एग्जाम होगा, BA भाग दो का समाजशास्त्र का सेकंड पेपर होने वाला है। शनिवार को 24 तारीख को BA भाग दो का मनोविज्ञान, भूगोल, रक्षा अध्ययन, दृश्य कला, मंच कला, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन के फर्स्ट पेपर होंगे और BSc भाग दो के भौतिकी, प्राणी विज्ञान का तृतीय पेपर होगा। रविवार 25 तारीख को आपका BA भाग दो का मनोविज्ञान और भूगोल, रक्षा विज्ञान अध्ययन, दृश्य कला, मंच कला, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेकंड पेपर होने वाला है। एंड BSc का आपका रसायन शास्त्र, सीट टेक्नोलॉजी, रक्षा अध्ययन, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर एप्लीकेशन का फर्स्ट पेपर होगा आपका। और इसी में 26 तारीख को सोमवार को BA भाग दो के हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र होगा और BSc भाग दो के रसायन शास्त्र, सीड टेक्नोलॉजी, रक्षा अध्ययन, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेकंड पेपर होने वाला है। मंगलवार 27 तारीख को BA भाग दो का गणित, अंग्रेजी का प्रथम प्रश्न पत्र होगा और BSc भाग दो के गणित और वनस्पति का प्रथम प्रश्न पत्र होगा। 28 तारीख बुधवार को BA भाग दो का द्वितीय हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा और जो है BA भाग दो का हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र होगा और बृहस्पति को आपका BA भाग दो के गणित और अंग्रेजी के द्वितीय प्रश्न पत्र होंगे। आओ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, 29 तारीख को BSc भाग दो का गणित वनस्पति का द्वितीय पेपर होगा। 30 तारीख को BA भाग दो का शिक्षा शास्त्र होगा प्रथम प्रश्न पत्र और BA भाग दो का रक्षा शास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन का तृतीय पेपर होगा। 31 तारीख को ध्यान से देखिए, 31 तारीख को क्या होगा वो आप समझ पा रहे हैं, देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है BA भाग दो का रक्षा शास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन 31 तारीख को होने वाला है थर्ड पेपर एंड BSc का रसायन शास्त्र, सीड टेक्नोलॉजी, रक्षा अध्ययन, कंप्यूटर एप्लीकेशन का थर्ड पेपर। रविवार को 1 तारीख को BA भाग दो का गणित तृतीय पेपर होगा और BSc भाग दो के गणित और वनस्पति का तृतीय पेपर होगा। 2 तारीख को BA भाग दो का शिक्षा शास्त्र द्वितीय पेपर होगा। 3 तारीख को BA भाग दो का गणित चतुर्थ पेपर होगा और BSc भाग दो का गणित चतुर्थ पेपर होगा। और 10 तारीख को मंगलवार को राष्ट्रीय गौरव और मानव अधिकार का जो पेपर है वो होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसी डेट को 10 तारीख को ही ये सब किया जा रहा है। अब BA BSc भाग तीन की अगर बात किया जाए तो इनके एग्जाम भी 14 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। 14 तारीख को BA भाग तीन का हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र होगा और BSc भाग तीन के इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का प्रथम प्रश्न पत्र होगा। बृहस्पतिवार 15 तारीख को BA भाग तीन का अर्थशास्त्र, संस्कृत, उर्दू, दर्शन शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र होगा
और इसके बाद 16 तारीख को बात किया जाए तो बीए भाग 3 का हिंदी द्वितीय पेपर होगा, बीएससी भाग 3 का इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का द्वितीय पेपर होगा। 17 तारीख को शनिवार को बीए भाग 3 का अर्थशास्त्र संस्कृत उर्दू दर्शन शास्त्र का द्वितीय पेपर होगा। 19 तारीख को सोमवार को बीए भाग 3 के हिंदी का तृतीय पेपर होगा और बीएससी भाग 3 के इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का तृतीय पेपर होगा। 20 तारीख मंगलवार को आपका बीए भाग 3 का अर्थशास्त्र उर्दू संस्कृत दर्शन शास्त्र का तृतीय पेपर होगा। बृहस्पति 22 तारीख को बीए भाग 3 का शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र होगा और बीएससी भाग 3 का इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का चतुर्थ प्रश्न पत्र होगा। 23 तारीख शुक्रवार को बीए भाग 3 का अंग्रेजी गणित का प्रथम प्रश्न पत्र होगा और बीएससी भाग 3 के गणित और वनस्पति का प्रथम प्रश्न पत्र होगा। 24 तारीख शनिवार को बीए भाग 3 के अंग्रेजी गणित का द्वितीय पेपर होगा और बीएससी भाग 3 के गणित और वनस्पति का द्वितीय पेपर होगा। 25 तारीख को रविवार को बीए भाग 3 के शिक्षा शास्त्र का सेकेंड पेपर होगा। सोमवार 26 तारीख को बीए भाग 3 के अंग्रेजी गणित का तृतीय पेपर और बीएससी भाग 3 के गणित वनस्पति का तृतीय पेपर होगा। 27 तारीख मंगलवार को बीए भाग 3 का शिक्षा शास्त्र का तृतीय पेपर होगा। बुधवार 28 तारीख को बीए भाग 3 का समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र गणित का चतुर्थ प्रश्न पत्र होगा और बीएससी भाग 3 का गणित वनस्पति विज्ञान का चतुर्थ प्रश्न पत्र होगा। बृहस्पतिवार 29 तारीख को बीए भाग 3 का समाजशास्त्र द्वितीय पेपर और गणित का पंचम पेपर होगा और बीएससी भाग 3 के गणित का पंचम पेपर होगा। शुक्रवार 30 तारीख को बीए भाग 3 के इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र और प्राचीन इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र होगा। बीएससी भाग 3 का भौतिकी और प्राणी शास्त्रीय का प्रथम प्रश्न पत्र होगा। 31 तारीख को शनिवार को बीए भाग 3 के समाजशास्त्र का तृतीय पेपर होगा और रविवार को बीए भाग 3 के राजनीति शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र होगा और बीएससी भाग 3 के भौतिकी प्राणी शास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। सोमवार को 2 तारीख को बीए भाग 3 का राजनीति शास्त्र का सेकंड पेपर होगा। मंगलवार 3 तारीख को बीए भाग 3 के इतिहास का द्वितीय पेपर प्राचीन इतिहास का द्वितीय पेपर होगा और बीएससी भाग 3 के भौतिकी प्राणी शास्त्र का तृतीय प्रश्न पत्र होगा। 4 तारीख को बीए भाग 3 का राजनीति शास्त्र का तृतीय पेपर और बीएससी भाग 3 के भौतिकी प्राणी शास्त्रीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र होंगे। 5 तारीख को बात किया जाए बृहस्पतिवार को तो बीए भाग 3 के इतिहास तृतीय प्रश्न पत्र और प्राचीन इतिहास का तृतीय प्रश्न पत्र होगा। 6 तारीख को बीएससी भाग 3 का रसायन सीड टेक्नोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र और रक्षा अध्ययन शारीरिक शिक्षा कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रथम प्रश्न पत्र होंगे और बीए भाग 3 का उस दिन मनोविज्ञान भूगोल रक्षा अध्ययन दृश्यकला मंचकला शारीरिक शिक्षा गृह विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा प्रथम प्रश्न पत्र। 7 तारीख को बीएससी भाग 3 का रसायन जो सीड टेक्नोलॉजी है द्वितीय प्रश्न पत्र रक्षा अध्ययन शारीरिक शिक्षा कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वितीय प्रश्न पत्र होंगे और बीए भाग 3 में मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान भूगोल रक्षा अध्ययन दृश्यकला मंचकला शारीरिक शिक्षा गृह विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। रविवार 8 तारीख को बीएससी भाग 3 का रक्षा रसायन सीड टेक्नोलॉजी तृतीय प्रश्न पत्र रक्षा अध्ययन शारीरिक शिक्षा कंप्यूटर एप्लीकेशन का तृतीय प्रश्न पत्र होगा और बीए भाग 3 का मनोविज्ञान भूगोल रक्षा अध्ययन दृश्यकला मंचकला शारीरिक शिक्षा गृह विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन इनके तृतीय पेपर होंगे। और इसके बाद 9 तारीख को बात करें तो बीएससी भाग 3 का रक्षा रसायन सीड टेक्नोलॉजी चतुर्थ प्रश्न पत्र और रक्षा अध्ययन कंप्यूटर एप्लीकेशन का चतुर्थ प्रश्न पत्र होगा और बीए भाग 3 के रक्षा अध्ययन गृह विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन का चतुर्थ प्रश्न पत्र होगा। और आखिरी आता है आपका 10 तारीख को राष्ट्र गौरव पर्यावरण मानव अधिकार ये बीए भाग 2 बीएससी भाग 2 3 मतलब सभी के आपके 8 सुबह 8 से 9 बजे 10 तारीख को जो है राष्ट्र गौरव के पेपर होने वाले हैं। उसके बाद इसी तरह से आप देख सकते हैं आपके सामने ये बीकॉम का भी दिखाया जा रहा है एग्जामिनेशन बीकॉम के भी 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरा आपके सामने दिखा रहा है जो इसके पेपर होने वाले हैं 14 15 16 17 19 और 20 और 10 तारीख को राष्ट्रगौरव सभी का साथ में होगा। बीकॉम भाग 3 का भी देखा जाए तो 14 15 16 17 18 20 22 23 और 24 है और 10 तारीख को पेपर राष्ट्रगौरव का साथ में ही होगा। बीएससी कृषि वालों का देखा जाए जो भाग 2 हैं और 3 और अंतिम वर्ष का तो उनके भी पेपर 14 15 16 17 19 और 20 22 को होंगे और 10 तारीख को राष्ट्रगौरव साथ में होगा। इस तरह से एमए अंतिम वर्ष वालों का देखा जाए तो 14 तारीख 15 तारीख 16 17 19 20 22 23 24 30 29 तक है लगभग आप देख सकते हैं 29 तक पेपर हैं इन सब में आपके 30 तारीख तक। एमकॉम की बात किया जाए अंतिम वर्ष का तो इनके पेपर जो है 14 15 16 17 19 में है। एमए गृह विज्ञान की बात किया जाए तो 14 15 16 17 19 को इनका पेपर है। तो अब आइए इसमें कुछ जो चीज़ें हैं इसमें क्या चीज़ें हैं सूचना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
देखिए इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा इंस्ट्रक्शन देखने के लिए। ओके ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।